Hi friends, welcome back to my channel, and this is practical problems part 14 CMA final group 4 paper 18. Next is transportation of passenger by air. So we have to first understand transportation of passengers by air. Uska GST mein kya implication hai? Passenger by air. So first is economy class. Okay. And यहाँ पर next एक column बना लेते हैं GST rate and ITC input tax credit का क्या implication है? तो जैसा कि हम जानते हैं इनको input tax credit आपको तीन चीजों पे मिलता है. नंबर वन इज इनपुट्स. ओके, सो आपके फिजिकल इनपुट्स जो आपको लगते हैं, ओके, उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिलता है. दूसरा आपको मिलता है कैपिटल गुड्स, और तीसरा है आपका इनपुट सर्विसेज. तो तीन चीजों के ऊपर आपको आईटीसी मिल सकता है. तो इकोनॉमिक क्लास के केस में क्या इंप्लीकेशन है ये तीनों चीजों का, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. ओके, सो इकोनॉमिक क्लास में जीएसटी रेट विल बी 5%. ओके, इकोनॉमी क्लास में अगर पैसेंजर यात्रा कर रहे हैं तो उनको जीएसटी लगेगा 5%, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको इनपुट के ऊपर आईटीसी नॉट अलाउड, मतलब उसको इनपुट के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा. ओके, कैपिटल गुड्स के ऊपर भी उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, इट इज नॉट अलाउड. एंड इनपुट सर्विसेज के ऊपर इट इज अलाउड. सो अगर इकोनॉमी क्लास में जो भी टिकट इश्यू किए जाएंगे उसका जो भी चार्ज रहेगा, जीएसटी रेट है 5%, इनपुट्स के ऊपर आईटीसी और कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी नॉट अलाउड, मींस उसके ऊपर आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड है. इनपुट सर्विसेज के ऊपर वो आईटीसी ले सकते हैं. अभी दूसरा है बिजनेस क्लास. दूसरा ट्रेवल का क्लास है बिजनेस क्लास. बिजनेस क्लास के ऊपर जीएसटी का रेट है 12%. ओके, सो उसमें इनपुट के ऊपर आपको जीएसटी अलाउड रहेगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर आपको जीएसटी मिलेगा, और इनपुट सर्विसेज के ऊपर भी आपको जीएसटी मिलेगा. सो बिजनेस क्लास में जीएसटी का रेट है 12%, उसमें आपको इनपुट्स के ऊपर भी आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आपको आईटीसी मिलेगा, और इनपुट सर्विसेज के ऊपर भी आपको आईटीसी मिलेगा. एंड नंबर तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर. उसमें तीसरा कंडीशन है एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग. मींस आइदर आपकी यात्रा शुरू हो रही है या यात्रा टर्मिनेट हो रही है. कहां? इन अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, RCSE, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट. ओके, तो उसमें आपके कौन कौन से रीजनल कनेक्टिविटी में आपके नॉर्थन ईस्ट स्टेट आपके जो भी है वो RCSA में कवर होते हैं. उसमें है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर है असम, मणिपुर, मेघालय, ओके, मेघालय, देन नागालैंड,
सिक्किम एंड त्रिपुरा, त्रिपुरा। ओके सो जो भी आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अगर वहां पर जर्नी आपका एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग हो रही है तो उसके लिए जीएसटी रेट विल बी 5%, एंड इसमें इनपुट्स के ऊपर आईटीसी इज अगेन नॉट अलाउड। कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, इनपुट सर्विसेज के ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इकोनॉमी क्लास हो या बिजनेस क्लास हो या एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन आरसीए, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट में अगर आपका हो रहा है, और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट कौन कौन से हैं आपके, हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो उसमें आपको तीनों ही केस में इनपुट सर्विसेज के ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा। ओके और इकोनॉमी क्लास में आपको इनपुट्स और कैपिटल गुड्स दोनों के ऊपर नहीं मिलेगा, और एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन आरसीएसए, उन दोनों के ऊपर भी आपको इनपुट्स और कैपिटल गुड्स में आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके आपको आईटीसी सिर्फ इनपुट सर्विसेज में मिलेगा, और बिजनेस क्लास में 12% है उसका जीएसटी का रेट। वहां पर आपको इनपुट्स के ऊपर भी आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आपको आईटीसी मिलेगा, इनपुट सर्विसेज के भी ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर है तो ये सारी कंडीशंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, जो आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। इन केस ऑफ आरसीएसए, आरसीएसए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, दो जीएसटी रेट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इज 5% प्रेजेंटली, द इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी वाया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, सो देर विल बी नो जीएसटी वुड बी चार्ज इफ एनी जर्नी इज स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग इन द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज एयरबस लिमिटेड फर्निसेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इट्स जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 17। पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम मिजोरम टू चेन्नई 2000 पैसेंजर्स, ग्रॉस वैल्यू पर टिकट 2500 रुपीज। पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम चेन्नई यूएसए 500 पैसेंजर्स, यूएसए चेन्नई 200 पैसेंजर्स, ग्रॉस वैल्यू पर टिकट 45,000। पैसेंजर्स ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई त्रिपुरा मुंबई विथ सिंगल टिकट 1000 पैसेंजर्स, ग्रॉस वैल्यू पर टिकट इज ₹5,000। एयरबस लिमिटेड चार्जिंग 40% पैसेंजर टैक्स विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस वैल्यू पर टिकट, सो ये जो 40% पैसेंजर टैक्स है इट इज ओवर एंड अबव ऑफ दिस वैल्यू पर टिकट। फाइंड द जीएसटी लाइबिलिटी, ऑल पैसेंजर्स आर ट्रेवल्ड इन इकोनॉमिक क्लास एक्सेप्ट पॉइंट बी, सो बी के केस में बिजनेस क्लास है। ओके सो नाउ इन केस ऑफ फर्स्ट मिजोरम टू चेन्नई, मिजोरम टू चेन्नई, मिजोरम जैसे हमको पता है कि मिजोरम वो आरसीएसए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट है, इसलिए ये सर्विस आपकी एग्जेम्प्टेड है और इसमें आपको जीएसटी निल रहेगा। नाउ सेकंड पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई यूएसए, ओके चेन्नई टू यूएसए, चेन्नई टू यूएस, ओके 500 पैसेंजर्स इनटू टिकट चार्जेस 45,000, सो इट विल बी 225। ओके देन पैसेंजर टैक्स, बिकॉज जीएसटी चार्ज करने के लिए ऑल द टैक्सेस बिफोर जीएसटी हैज टू बी एडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ
जीएसटी, मतलब जीएसटी लगाने के पहले अगर कोई भी चार्जेस है जो रिकवर किए जाते हैं तो वो भी, या कोई भी टैक्स है तो वो भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा इन द टैक्सेबल वैल्यू. सो ऑन दिस अमाउंट इट कम्स टू 90 लैक्स. देन सी इज अगेन मुंबई त्रिपुरा, मुंबई त्रिपुरा इट इज अगेन आर सी एस ए, सो इट इज निल बिकॉज इट इज एग्जम्प्टेड. और इसमें एक और चीज था, यूएसए चेन्नई, ओके यूएसए चेन्नई 200, दैट विल ऑल्सो बी एग्जम्प्टेड बिकॉज इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यूएस. ओरिजिनल पॉइंट इज द यूएस, इसके लिए इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा. सो टोटल सर्विस वैल्यू इज 3 करोड़ 15 लैक्स. देन सीजीएसटी एट द रेट 6% बिकॉज इट इज इन केस ऑफ बी इज ओनली टैक्सेबल एंड दे आर ट्रेवल्ड इन इकोनॉमी क्लास एक्सेप्ट पॉइंट बी. सो जो पैसेंजर ने चेन्नई यूएसए ट्रेवल किया है उन्होंने इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल नहीं किया, उन्होंने बिजनेस क्लास में किया, इसलिए उनका रेट है 12%. सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%. सो सीजीएसटी 18,90,000 एंड एसजीएसटी एट द रेट 6%, दैट इज अगेन 18,90,000. सो दिस इज द टोटल जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एयरबस. इसमें यह है अगर इकोनॉमी क्लास में होता तो जीएसटी वुड बी 5%, लेकिन इसमें ट्रेवल उन्होंने किया बिजनेस क्लास में इसलिए उनका जीएसटी है 12%. 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी. नेक्स्ट इज कंप्यूट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ एयर स्पीड एयरलाइंस लोकेटेड इन चेन्नई फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू सम्स रिसीव्ड एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. मतलब इसमें जो भी अमाउंट है उस जीएसटी इंक्लूड नहीं है. फर्स्ट वन, पैसेंजर्स एम्बार्किंग एट अरुणाचल प्रदेश ₹5 लाख. तो ये अरुणाचल प्रदेश आरसीएसए स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट है, तो इसमें जीएसटी इज एग्जम्प्टेड. सेकेंड, अमाउंट फॉर जर्नी टर्मिनेटेड एट आसाम, अगेन ये भी आर सी एस ए एयरपोर्ट है तो इसमें भी ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड है. नेक्स्ट, अमाउंट चार्ज फ्रॉम पैसेंजर फॉर फ्लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूएसए टू चेन्नई, अगेन दिस इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया सो इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. नेक्स्ट, अमाउंट चार्ज फ्रॉम पैसेंजर फ्लाइंग फ्रॉम चेन्नई टू सिडनी बिजनेस क्लास, प्लीज नोट दैट फॉर बिजनेस क्लास जीएसटी वुड बी 12%. बिजनेस क्लास, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर बिजनेस क्लास रहेगा तो उसमें जीएसटी है 12%. ₹540 लाख इंक्लूडिंग पैसेंजर टैक्सेस लिविड बाय गवर्नमेंट एंड शोन सेपरेटली ऑन टिकट ₹100 लाख. तो जैसा हम जानते हैं कि कोई भी टैक्स इन एडिशन अगर जीएसटी के लगता है तो वो टैक्सेबल वैल्यू में ऐड होता है, तो 540,000 पूरा आपको टैक्सेबल वैल्यू लेना पड़ेगा. ऑल पैसेंजर्स बुक्ड टिकट फ्रॉम दिल्ली ऑफिस ऑफ एयर स्पीड एयरलाइंस, तो उन्होंने दिल्ली ऑफिस से टिकट बुक किया है एंड स्पीड एयरलाइंस लोकेटेड है चेन्नई में. ओके, पैसेंजर्स एम्बार्किंग फ्रॉम चेन्नई टू कोयम्बटूर इकोनॉमी क्लास 4 लैक्स. सो इकोनॉमी क्लास अगर रहेगा, इकोनॉमी क्लास अगर रहता तो उसका जीएसटी है 5%. ओके, सो ये चेन्नई से टिकट बुक हुआ है फ्रॉम चेन्नई टू कोयम्बटूर. पैसेंजर्स बुक टिकट फ्रॉम चेन्नई ऑफिस ऑफ एयर स्पीड एयरलाइंस. ओके, सो पहला तीन तो एग्जम्प्टेड है, चौथे वाले का आ जाएगा सिर्फ 540
40 lakhs, which is inclusive of 100 lakhs is the passenger taxes, and there will be 12% IGST because it is booked in New Delhi. So 12%, it will be 64.80 lakhs. ये हो गया. और passengers embarking from Chennai to Coimbatore economy class 4 lakhs, तो 4 lakhs के ऊपर आपका liability आ जाएगा. Since the ticket is booked from Chennai office, so CGST at the rate 2.5% and SGST at the rate 2.5%. So this will be 10,000 CGST, 10,000 SGST. So total taxable value of Airspeed Airlines located in Chennai would be 4 lakhs plus 540 lakhs, and GST liability will be CGST 10,000, SGST 10,000, IGST 64.8 lakhs. Since they don't have any ITC उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो टोटल लाइबिलिटी उनको कैश में पे करना पड़ेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज CMA मनीष खेरा. थैंक यू वेरी मच.